हेलो एवरीवन आई एम टीचर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ द क्वेश्चन एल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वालिटिक पॉलिनोम स्क्वायर प्लस 1 अपॉइंट बीटा स्क्वायर सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं गिवेन के यहाँ मुझे क्वालिटिक पॉलिनोमियल गिवेन है जो कि है ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव और अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो मुझे वन अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम जो गिवेन है उसको लिख लेते हैं सो सॉल्यूशन इज गिवेन क्या गिवन है? है एक क्वालिटी पॉलिनोमियल ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस फाइव राइट अब मुझे इसकी अल्फा और बीटा रूट से रखें तो हमें पता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इफ़ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर वो ये होता है तो इस केस में और अगर इसके जी अल्फा बीटा ज़ीरोज हैं तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है होती है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए इस पर्टिकुलर के लिए अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी यहाँ पे माइनस बी अपॉन यानी माइनस ट्वेंटी अपॉन ए ट्वेंटी माइनस वन और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी अल्फा बीटा की वैल्यू होगी सी अपॉन ए यानी कि फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव यानी कि वन अपॉन फाइव अब देखते हैं हमें निकालना क्या है हमें निकालना है वन अपॉन सो वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर किसी तरीके से इसको ऐसे रिड्यूस करूँ मैं कि मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स मिल जाए तो मैं इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करूँगा और मुझे फाइनली इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो इसको एल्थीम ले लेते हैं एल्थीम लोगे तो ये तो हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा आप अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है राइट ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप जब खोलोगे तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू एल्फा बीटा अब टू एल्फा बीटा एक एक्स्ट्रा टर्म है तो वो बाद में ऐड होगी मैंने सब्सिटेक्ट कर दिया तो वी विल गेट द सेम वैल्यू आंसर वही बीटा स्क्वायर एल्फा स्क्वायर ही रहेगा और मैं यहाँ पर एल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बस अब एल्फा बीटा और एल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में आ गया आप वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए सो यू विल गेट माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बाई फाइव अपॉन वन बाई फाइव का होल स्क्वायर तो जो आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस टू बाई फाइव राइट तो ये हो जाएगा टू बाई फाइव और ये आ जाएगा आपका वन 5 बाई फाइव का वन 1 ट्वेंटी फाइव ये आएगा आपका थ्री बाई ट्वेंटी फाइव और ये हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका थ्री बाई फाइव और ये ट्वेंटी फाइव आपका ऊपर आ जाए राइट right, तो थ्री बाई फाइव हो गया ट्वेंटी फाइव आपका ऊपर आ गया तो आपको जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई ये फाइव टाइम्स फिफ्टीन तो दस value ऑफ 1 upon alpha square plus 1 upon beta square is 15. I hope you understand the solution. Thank you.